अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरे की तली हुई मसालेदार कलेजी और गुर्दे। इसे बनाने में बहुत ही कम मसाले लगते हैं जो कि घर पर इजीली अवेलेबल होते हैं। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में 400 ग्राम बकरे की कलेजी और गुर्दे लेंगे और एक ग्लास पानी ऐड कर लें और इसे 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख दें या फिर इसे प्रेशर कुकर में 2 विजिल होने तक पकने दें। 15 मिनट के बाद अब इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें। अब अच्छे से मिक्स कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालने से इसके अंदर मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा बनती है। अब इसे पानी सूखने तक पकाएं ताकि इसमें जो अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल होती है वो चली जाए। अब पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालें, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसमें 6 टेबलस्पून तेल डालें। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे 10 मिनट तक अच्छे से भूनते हुए पकने दें। मसाले अच्छे से भून गए हैं और साथ ही कलेजी गुर्दे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें 1/2 कप तली हुई क्रश्ड प्याज ऐड करें। अब इसमें 1 कप कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बकरे के गुर्दे और कलेजी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर लें। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं। अब इसे कटे हुए हरे धनिए से गार्निश करें। तली हुई मसालेदार कलेजी और गुर्दे सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।